खुद पढ़ाना आता नहीं है, बच्चों को पढ़ा रही है, खुद पढ़ना नहीं आता इसको, लकड़ी खा रहा देख रहो कि। राधा रमन सखी प्यारो रमन, राधा रमन सखी प्यारो रमन। और देखो पेंट गिरी नीचे चूल्हा मम्मी का। तो गाइस ये पतंग कट के आई है हमारे घर में, कितनी गोरी लग रही आज नोरी ने। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो आई होप सब बढ़िया ही हो गए। और समय हो रहा है अभी 9:00 लगभग 20 मिनट, और मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया था 7:30 बजे के टाइम। आज संडे है, रोज का नियम कानून हो गया गाइस ये, तो आज संडे है तो मैं जल्दी उठ गया था 7:30 बजे लगभग मैं उठ गया था। तो मैंने जल्दी मंजन उंजन करा, मैंने जल्दी नहा लिया, 8 बजे तक मैं फिनिश हो गया। थोड़ी देर फिर मैंने मोबाइल वोबाइल चलाया, और फिर मम्मी भी नाश्ता वास्ता बनाएगी, अभी नाश्ता वास्ता करानी है मैंने भी। मम्मी भी आराम कर रही है अभी, सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है वो, तो पूछा उछा करा उनने भी, और आराम कर रही है भी नीचे वो, तो आराम आराम करने देंगे उसको भी हम, और अब नाश्ता करेंगे। और अभी संडे है आज, तो आगे देखना भी क्या क्या ब्लॉग में आएगा क्या क्या ब्लॉग में नहीं आएगा, तो ऐसे ब्लॉग में बने रहना। और गाइज आप लोग मिनी ब्लॉग को सपोर्ट करते रहो, मिनी ब्लॉग में मैं डाले पड़ा हूँ आजकल गाइज, एक एक दो दो में डाल दे रहा हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी मजा आ रहा है। तो ये लॉन्ग ब्लॉग भी देखो और मिनी ब्लॉग भी देखना गाइज, और सपोर्ट करते रहना भाई को। तो मिलते हैं अभी आगे आप लोग को लूंगा मैं, और जाके थोड़ी देर धूप सेकता हूँ क्योंकि अभी भी ठंडे पानी से नहा रहा है गाइस, ताजे पानी से नहा लेता हूँ मैं सुबह सुबह, और मैं पूरा फ्रेश हो जाता है, मेरा सर पूरा दिमाग पूरा फ्रेश हो जाता है। और आजकल नियम कानून बन गया है, तो मैं जैकेट वैकेट डालूंगा, जैकेट में ला रखा हूँ गाइस, ये जैकेट रखी हो रखी है, तो यही वाली जैकेट मैं पहनूंगा। और मिलना भी आप लोगों को, मैं थोड़ी देर धूप सेकूंगा, मम्मी को उठाता हूँ, तो जैकेट में डाल ली गाइस। बताना कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई? और मैं जस्ट बाहर आ गया हूँ गाइस, ये मम्मी ने सारे कपड़े धोकर डाल लगे, सुबह सुबह धूप आ रही है अच्छी खासी। और ये देखो पैंट गिरी है नीचे चूल्हा मम्मी का सूखा नहीं अभी तक, इसको मैं वहीं डालूंगा पैंट को सूखने के लिए। तो मैंने डाल दी गाइस, हवा चल रही है फिर गिर जाएगा ये, हमारे पास चिमटी नहीं है तो चिमटी लानी पड़ेगी हम लोगों को एक दिन। ये बच्चे पढ़ा रही है, देखो ये खुद पढ़ना नहीं आता, बच्चे पढ़ा रही है, और रॉकी को भी पढ़ा रही है। अरे पढ़ी आई पढ़ी हटा के से, खुद पढ़ाना आता नहीं है, बच्चों को पढ़ा रही है, खुद पढ़ना नहीं आता इसको। और सामने देखो रॉकी, देखो लकड़ी खा रहा है, खाना नहीं खिलाती क्या इसको तुम्हें? खाना नहीं खिलाती है, लकड़ी खा रहा देख रॉकी, लकड़ी छोड़, लकड़ी छीन ले, छीने से लकड़ी छीन, सही करा लकड़ी छीनी ले, तेरे को अटने आ गया ले रॉकी देख। तुझे ब्लॉग में नहीं ले रहा हूँ ठीक है प्रगति, में तुझे ज्यादा अटेंशन दूंगा ही नहीं मैं ब्लॉग में, देख कट कर दूंगा देखना, ही मैं देखियो तो कट कर दूंगा तेरे को मैं देखना। तो गाइस पीछे बच्चे पढ़ रहे हैं, और अभी मौसम तो सही है फिलहाल, पिछले एक दो दिन से बारिश हो गई थी यहाँ पर, पता ही चला किसी को भी सुबह के टाइम बारिश हुई थी, तो अभी फिलहाल मौसम सही है। और मम्मी उठ गई गाइस ये, और मम्मी को मैं चाय दूंगा अभी, ले मम्मी चाय पी, चाय अमृत पी अमृत। तो मैंने सब्जी गर्म करने रख दी है, और रोटी गर्म कर दूंगा मैं गाइस ये कल रात की, तो नाश्ता बनाएगी ना मम्मी, तो ये अपने लोग बना देगी, मैं खा ले रहा हूँ फिर जल्दी ठीक है, गर्म रोटी करके। तो मम्मी अपने लिए नाश्ता बना देगी, आयो के लिए नाश्ता बना देगी, फिलहाल मुझे जल्दी है तो मैं जल्दी नाश्ता कर लूंगा, ये चौपड़ी रोटी खा के थोड़ा बहुत सहन कर लूंगा मैं। तो आज मैंने नाश्ता ले लिया, ये रखा नाश्ता मेरा, तो नाश्ता कम्प्लीट हो गया मेरा, तो मैं रखता हूँ। और मम्मी बना रही है नाश्ता भाइयों के लिए, मम्मी बनाती है ऐसी बात नहीं, मम्मी नाश्ता बनाती है यार, उठने की देरी है मम्मी के लिए, बस आटा वाटा रख रखा है, पराठे बना रही है मम्मी अभी ना, और मम्मी बना रही चावल की रोटी, ये देखिए गाइस चावल की रोटी बना रही मम्मी। तो गाइस ये पतंग कट के आई है हमारे घर में, ये भी उड़ाएंगे, ये दोनों उड़ गए मम्मी दो पतंग कट के आई है, देख इसको देता हूँ वो मोनू को, मोनू खड़ा है उसको दूंगा मैं। और ये नोड़ी भी आ गई हमारे घर में, और ये क्या लाई है, केक, केक खा रही है, केक ना भैया मैं नहीं खाता केक, देखिए आप खा लो। और ये नौरी के मोजे बन रहे हैं, ताई बना रही नौरी के लिए, नौरी के मोजे तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, तेरे मुझे मोजे अभी तो शुरुआत ही हुई तेरे मोजे बनने की ना, सब गिरा रही है लड़की रे, गिरा मत। तो गाइस मैं बैठा हूँ छत में धूप सेक रहा हूँ आराम से, और पीछे नोड़ा आ गई है, और ये ला रखे हैं देखो काट के सेब और माल्टे, नहीं संतरे हैं शायद आज, संतरे हैं। और ये नौड़ी खा रही है, ये नौड़ी खा रही है, कैसे खा रही है दिखा, ये देखो पहली बाइट मारी ने बहुत तगड़ी तरीके से, देखो कितनी गोरी लग रही है आज नोरी ने। और नोरी माल्टा खा के देखो अपनी छत में पहुंच गई, ये मोटी अपनी छत में पहुंच गई ना, यहाँ कब आओगी तुम, हमारी छत में कब आओगी। तो गाइस सीन शॉट अभी ऐसा है, अभी समय हो रहा है 12:40, और हम जा रहे हैं भंडारा खाने के लिए, हनुमानगढ़ी में आज भंडारा है, तो मम्मी मैं जा रहे हैं खाली वो हनुमानगढ़ी के पास भंडारा खाने के लिए, तो फिर मम्मी के पास समय रहता नहीं, फिर कुछ समय बाद तो मम्मी ने बोला चले जाते हैं, मैं भी खाली था आज संडे था, तो हनुमानगढ़ी चलते हैं, वो दिखाता हूँ हम लोगों को वहाँ का सीन शॉट थोड़ा बहुत क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ब्लॉग बने रहना ऐसे ही आप लोग। तो गाइस हम लोग निकल लिए घर से, तो गाइस थोड़ी दूरी रह गया है, हम लोग रास्ते में हैं,
मिलते भी आगे आप लोगों। ये है गाइस सीताराम मंदिर टनकपुर, हम इससे पहले आ रखे हैं यहाँ पर। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हनुमानगढ़ी मंदिर के पास और काफी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये खाने के लिए प्लेट आ गई। ये आ गई पूड़ी, इसको ग्रहण करते हैं। इसको अभी हम मम्मी ये ग्रहण कर रही है प्रसाद, सब प्रसाद लेते हुए यहाँ पर। और हमने ले लिया प्रसाद। तो गाइज हम लोगों ने खाना पीना खा के आ गए वहाँ से, और गाइज काफ़ी भीड़ हो रही थी वहाँ पर, आपको क्या बताऊँ मैं, भीड़ हो रही थी। तो मम्मी और मैंने खा के आ गए हैं वहाँ से, और काफ़ी सही खाना बना था। अरे पूड़ी उड़ी खाई मैंने गाइज, पहले वैसे पूड़ी मैं खाता नहीं हूँ, मैंने जाए फिर खानी पड़ी पूड़ी वहाँ पर, तो सही था, प्रसाद के तौर पर खाया हमने वो, और सब कुछ सही हो गया। फिलहाल जितना खाना था उतना खा लिया है, और हम जा रहे हैं घर को। अभी मिलते हैं आप लोगों को आगे, और आपको भी एक कहानी और बताता हूँ मैं। एक आंटी थी वहाँ पर, पूड़ी खा कम रही थी और पन्नी में ज़्यादा भर रही थी वो, और हम लोग हंसे पड़े देख देख के उनको। मैंने कहा क्या बताऊँ, छोड़ो फिर गाइस, मिलते भी आगे आप लोगों को घर में। और गाइस यहाँ पेठे की मिठाई बनती है, देखो कितने सारे पेठे वो रखे हुए हैं, पेठे की मिठाई बनती है यहाँ पर गाइस। तो गाइस हमने ले लिया साग, और मिलते भी आगे पहुँचने वाले घर में। तो हम लोग पहुँच गए घर में अपने। तो गाइस हम लोग घर पहुंच गए हैं, और ऊपर जाके थोड़ा बहुत काम करते हैं कपड़े लाने ऊपर से, तो मिलते हैं अभी ऊपर थोड़ी देर में। तो हम लोग ऊपर आ गए, और मम्मी उतार रही कपड़े जो मम्मी ने कल धोए थे। तो हेलो गाइस, फाइनली मैं नीचे आ गया हूं, और मम्मी देखो शाम की सब्जी की तैयारी कर रही है, लहसुन छील रखे मम्मी ने, लहसुन छील लिए और ये प्याज काट रही है। तो गाइस मम्मी बना रही शाम की सब्जी, बनाएगी जो ही बनाएगी। फिलहाल समय हो रहा है 6, और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और हम आज के आपने देखा था, हम गए वहाँ भंडारा वंडारा खाया हमने, काफी भीड़ थी गाइस वहाँ पर, आप लोगों को मैंने दिखाया भी, वो काफी भीड़ हो रही थी वहाँ पर। ऐसे मतलब हमने प्रसाद के तौर पर खाया वो पेट भर के, तो फिलहाल क्या खाया हमने प्रसाद के तौर पर खाया वो, फिलहाल सही था। पूड़ी में खाता नहीं हूँ मैं, पूड़ी भी खाई वो, और पेट मेरे गड़बड़ हो गई, अजीब से लगता है गाइस पूड़ी वूड़ी खाने के बाद। तो आपको मैंने बताया था एक आंटी थी वहाँ पर, बहुत भय पड़ी थी। है मम्मी आंटी को देखा मम्मी तूने, कैसे खा रही थी, खाना भर रही थी, एक बूढ़ी जामा जैसी थी कोई, खा कम रही है भर ज्यादा रही है पन्नी में, और बड़ी हंसी आई गाइस उन लोगों को देख के। मैं आपको क्या बताऊं, मैं ब्लॉग बनाने की सोचा था, फिर मैंने बोला यार किसी की फिर बेइज्जती खाली सही रहता, फिर मैंने बोला छोड़ो कोई बात नहीं। तो मम्मी को मैंने दिखाया, मम्मी भी हंसते पागल हो गई। और चलो कहीं शादी बरात वाली बात होती तो अलग बात होती, चलो उस समय तो भर लो, फिलहाल ये मंदिर वाले काम में गाइस जैसा बहुत बेकार लगता है, डैम वाली बातें हो गई। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एक इस ब्लॉग में ये एंड करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ब्लॉग को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मम्मी बाय कर दे, बाय कैसे करते हैं, बाय बाय बाय। चलो गाइस।